और इनको लगातार बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। क्यों? कि बीजेपी वाला ने भले बंदू क्या कर दे कि अभी ये मनोहरलाल है, इसको तजुर्बा को नहीं, एक्सपीरियंस को नहीं। हम ही क्या करते हैं, हाँ हमारा तजुर्बा को नहीं, लेकिन हमारा तजुर्बा जिस तरह के काम हमने किए हैं लूटण के खसोटण के, वो तजुर्बा हमारा कोई नहीं। हमारा तजुर्बा है सेवा करने का, और आज कारी 40 साल से सेवा कर रहे हैं और बिल्कुल नीम के पत्थर उड़ के कर रहे हैं। हम किसी को आके ढंडोरा नहीं पीटते, हम सेवा कर रहे हैं। ये प्रदेश, ये पूरे का पूरा प्रदेश, ये मेरा परिवार है, ये जज्बा है हमारा। लेकिन यहाँ ये पार्टी ऐसी है कि हम सब एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते काम करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो और चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री केंद्र का हो, सेंटर का हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो। और प्रधानमंत्री ने तो आजकल अपने आप को क्या कहा है, चौकीदार। आप चौकीदार, इतना आसान नहीं था क्या ना? इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मैं चौकीदार हूं, देश की रक्षा सुरक्षा करना मेरा काम है। पहले तो उन्होंने कहा, और आज देश की 130 करोड़ जनता कह रही है कि आप ही चौकीदार नहीं है, हम भी चौकीदार हैं, मैं भी चौकीदार हूं, प्रदेश का ही देश का चौकीदार करना मेरा काम है। आज भी अगर कोई ये कह देगा कि मैं चारा ने देख के नौकरी लेके आया हूं, या किसी को मैंने मिठाई का डिब्बा या चाय बाद में दे आया हूं मिठाई का डिब्बा, कोई बात नहीं, लेकिन पहले किसी को चाय भी पिलाई हो और कहीं गलत ढंग से वो चुना गया हो तो आज उसको भारत रत्न दे। हमने आने के बाद कम से कम 10,000 केसेस ऐसे थे जो स्टे में पड़े हुए थे, उनको सबको निकलवाया। आज 64,000 लोगों ने ज्वाइन किया हमारे आने के बाद, 64,000। अभी 6 महीने का समय और बाकी है, 6 महीने अभी, मैं समझता हूँ एक 5-7 हजार 10 हजार और लग जाएंगे, और ये 75,000 का आंकड़ा इस हरियाणा के किसी भी सरकार के एक कार्यकाल का रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड नौकरी तो सरकारी शायद ना मिल पाए, लेकिन उन लोगों को थोड़ा हुनर सिखाएंगे, उनको यूनिवर्सिटी में कोर्स शुरू करेंगे, उनकी जो कोई बेहतर काम करता होगा, मानो लोहार का बेटा, सुनार का बेटा, नाई का बेटा, धोबी का बेटा, उनको अच्छे काम, आजकल अच्छे अच्छे काम सीख जाए तो बहुत अच्छी नौकरी मिलती है।